सेनेटर नुमान साहब जी, जी सेनेटर वजीर साहब जी, जी बैठे हैं जी मुस्तफा साहब, ये कहाँ जी सेनेटर साहब, सेनेटर साहब आप जी इधर बात करें। थैंक यू चेयरमैन साहब, वो एक पश्तों की एक मिसाल है, गुजा गलबेल वही ताकि दोस्त बुरी दी। उर्दू में बताएं जी। मतलब ये है कि एक जो जो गुजा का क्या वट ना ना गुजा लोटा जो है वो छाननी को कहता है कि तुम्हारे अंदर दो सुराख हैं। तो मैं उधर ये कहना चाहता हूँ कि आप हमें क्या बता रहे हैं यार, आप हमें क्या क्या चीज़ें बता रहे हैं। नॉर्मली सर मैं इस किस्म की जो यहाँ हमारे सेनेटर भाई साहब जिस तरह करते हैं आई डोंट डू सच एक्टिविटी, आई एम नॉट, दिस इज नॉट माई फोर्टे, आई कॉन्ट डू इट, इस किस्म की बातें जो हो रही हैं। मैं सबसे पहले तो मेरे सेनेटर साहब ने जो बोला मेरे पर्सनल बारे की पर्सनल एक्सप्लेनेशन, आई एक्सक्यूज हिम फॉर यूजिंग सच वर्ड्स फॉर मी एंड आई प्रेफर के सेनेट के अंदर इस किस्म की बात अगर ना हो दोनों तरफ से नहीं सर, मैं नॉन बायस दोनों तरफ से नहीं है, एक सेनेट का अपना एक माहौल था, लेट अस मेंटेन दैट एंड आई रिक्वेस्ट बोथ साइड्स नॉट टू इंडल्ज इन सच थिंग एंड आई फॉर श्योर फॉरगिव सर, आप रजारबानी साहब बैठे हैं, राजा साहब बैठे हैं, ट्राई टू अवॉइड दीज थिंग्स। मैं सर एक शेर व शायरी तुम्हारे भाई बड़े करते रहते हैं, मैं सिर्फ आपको एक अंग्रेजी का विलियम शेक्सपियर का एक प्ले था, उसके वर्ड्स लेट मी जस्ट रिपीट, फ्रेंड्स रोमन्स एंड कंट्रीमैन, आई कम हियर नॉट टू बरी सीजर, आई कम हियर टू प्रेज हिम नॉट टू बरी सीजर, नॉट प्रेज हिम नॉट टू बरी सीजर, द गुड दैट मैन डू द इवल दैट मैन डू लिव्स आफ्टर देम एंड द गुड एटर्न विद देयर बोन्स। तो आपने जो पास्ट में ईवल किया है दैट विल कम अलॉन्ग ओवर हियर, दैट विल बी रिफ्लेक्टेड ओवर हियर और आगे भी चलता रहेगा। जस्ट सर एक मैं आपको सर आपसे एक और गुजारिश है चेयरमैन साहब, खास आपसे ये जो लफ्ज आप एक्सपंज करते हैं, यहाँ पहले भी एक्सपंज हुआ है, नेशनल असेंबली में इधर भी होता है, लेकिन ये मीडिया में फिर भी रिफ्लेक्ट किया जा रहा होता है। माई द बेस्ट ऑफ माई ओपिनियन एक्सपंज मीन्स इट शुड नॉट बी रिफ्लेक्टेड इन द मीडिया, सम पीपल फॉर गेटिंग चीप पॉपुलैरिटी यूज सच बैड वर्ड्स ओवर हियर कि कल उनको प्रेस में कवरेज मिलना चाहिए, सो एक्सपंज शुड बी एक्सपंज इन द रियल सेंस। अब सर इसके अंदर आ जाते हैं चेयरमैन साहब, फिर दूसरा आपसे सवाल, आपसे ही सर बिल्कुल आपसे ही डिस्कस करके, ये चार पांच दिन यहां चले, पांच छह सात दिन चलते रहे, हम एक चीजों पर बात करते रहे, बड़े सीरियस इशूज थे, आपने गैस बिजली सारे सीरियस इशूज थे, लोन पर बात किया, सारे चीज प्रॉब्लम दैट आई फील सर आपने मिलियंस लाखों रुपए इस सेशन पर लगा दिए, व्हाट डिड वी गेट इन द एंड, उधर से बड़ी जबरदस्त किस्म रिटोरिक किस्म की बातें हुई, एडजेक्टिव्स यूज किए गए, इधर से भी यूज किए, व्हाट डिड वी कंक्लूड, दिस इज द फर्स्ट एक सेनेट पार्लियामेंट में पहले का दारा देखता हूं जहां डिस्कशन होती है, पांच छह सात दिन बाद कंक्लूजन कुछ नहीं होती कि आपने कहा, आपने सजेशन दिया, राजा साहब आपने कोई सजेशन दिया, हमने डिस्कस किया, वी कंक्लूड समथिंग, नथिंग कंक्लूडेड, नथिंग गुड हैपन, this is in my way views a wastage of time and we should have a conclusive discussion ki na ki udhar se kuch baat kare udhar se baat ho jaye sir main electricity ke bare mein baat karta hu electricity ke bare mein baat karunga gas ke bare mein loans ke bare mein chale pehle loans ke bare mein baat karta hu tell me people sitting in the house what is a currency swap jo yahan aapka currency swap hua hai I bet 99% of the people sitting over here even the lobbies don't know what's a currency swap I bet people 99% people sitting over here don't know ki 20 billion yuan ka RMB ka aapke paas jo credit limit milegi paisa yahan rakha jayega wo credit limit hai that is in simple words jo pehle hota tha aapko suppliers credit mil raha hai who knows this thing aur yahan aap discussion kar rahe hain not even knowing the facts aap discussion kar rahe hain what a hollow discussion are we taking place over here wo aapka currency swap de raha hai वो आपको दे रहा है बैलेंस ऑफ पेमेंट के लिए 3 बिलियन देगा 2 बिलियन आजकल के अंदर मेरे साहब ये बता देंगे वो आ जाएगा चाइना ने आपको दिया वो भी आपको दे रहा है सप्लायर्स क्रेडिट दे रहा है जो 30 साल से सप्लायर्स क्रेडिट 40 साल से दुनिया भर में चलता है वो चीज चल रही है आपके सामने आप कह रहे हैं कि जी लोन है दिस नो लोन इट्स अ सप्लायर्स क्रेडिट आपका जो बैंक ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट के लिए पैसा दिया है वो आपको कैश डिपॉजिट हुआ है इसके अंदर इट इज नॉट टाइड विद मार्कअप विद नथिंग ओवर देयर सो दिस इज व्हाट अब इसके अंदर आप मुझे बताएं मैं सारे इसके ऑपोजिशन के सेनेटर अपने यहां भी टेल मी अ बेटर सॉल्यूशन देन दिस जो जो है इससे कोई बेहतर बताएं आईएमएफ के पास आप क्यों जाते हैं
IMF के लिए जाते हैं लोन कुछ लेने के लिए, लेकिन बेसिकली यू गेट अ क्रेडिट एस्टेब्लिश करते हैं कि आपकी क्रेडिबिलिटी कितनी है, फिर आप मनी मार्केट में जाते हैं सुकूक बॉन्ड या यूरो बॉन्ड लेते हैं, तो फिर आपको पिछला दफा जैसे 8.7% पर मिला था मार्क लोन मिला था, वो आपको कम रेट पर मिलता है एंड यू गेट बेटर दिस थिंग. सो दिस इज व्हाट इट इज फाइनेंशियल टर्म्स में. अब माय क्वेश्चन, मदर ऑफ ऑल क्वेश्चंस, गिव मी अ बेटर सॉल्यूशन इन दिस एंड आई एम रेडी टू डिस्कस, विद हंबली रेडी टू डिस्कस कि आप बेहतर है. मैं आपको, मैं अपने मिनिस्टर साहब को, अपनी पार्टी को कन्विंस करूंगा कि ये सजेशन अच्छा है. आज तक अच्छा सजेशन ही है. बिजली के बारे में बात कर दें. बिजली में सर आपका 1300 बिलियन का नुकसान है. आपका ये कहते हैं ये दिस इज नॉट सर्कुलर डेट, प्लीज करेक्ट दिस वर्ड, इज नथिंग एज सर्कुलर डेट, लॉस, चोरी, टोटल चोरी. पिछले हमारे 30-40 साल में हमने मुल्क को चोर बना दिया. हर बड़ा से बड़ा आदमी भी चोरी कर रहा है, नीचे से नीचे आदमी भी चोरी कर रहा है. वो कुंडे डाल रहा है गांव में, एक मीटर लगा सिंगल फेज उसको भी कुंडे डाल रहा है. 1300 बिलियन चोरी होती है. 1200 बिलियन आपके स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस है. 186 स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस है, PIA स्टील मिल सारा डालकर, जो हमने, टू बी वेरी फ्रेंक, प्लीज डोंट माइंड इट, हमने पोलिटिकल लोग डाले हुए जो निकम्मे काम करना जानते नहीं है. जब उनको कहते हैं हम जन की तरह एक्शन लेंगे, डिसिप्लिन, तो एकदम शोर शराब हो जाते हैं कि आप उनको निकाल लेंगे. यस, यू विल टर्न आउट पीपल और इनकॉम्पिटेंट. जो जिसको प्रोफेशनली ठीक नहीं उसको मैं क्यों रखूं? क्या आप 1300 और 1200 2500 बिलियन का, सेनेटर साहब 2500 बिलियन का आप नुकसान कर रहे हैं साल के अंदर? कितने पैसे बने? 2500 बिलियन इज $20 बिलियन. इसमें 50% भी आप रोक ले मोहसिन साहब तो $10 बिलियन रोकेंगे. तो ये क्या हम जा रहे हैं बकौल आपके भीख मांगते हाथ फैलाते हैं? बहुत बुरा लगता है, हम सबको बुरा लगता है, लेकिन हम अपने ये चोरियों को ठीक नहीं करेंगे. वी इन द सेनेट, चेयरमैन साहब आपकी सेनेट कमेटी में फिदा साहब बैठे हैं, हमारे पावर कमेटी के चेयरमैन बैठे हैं, इनने रिकमेंडेशन दी चोरी खत्म करने का. क्या सारे लोगों से बात की, दैट इज द वे फॉरवर्ड, चोरी खत्म करने. लेकिन चोरी कब खत्म होगी? इवन अगर सेनेटर फिदा साहब की कमेटी की रिकमेंडेशन चलती है, एक साल लगेगा. एक साल तक आपने ये लॉस बेयर करना है, आपने रेट ज्यादा करने, बिजली का रेट ज्यादा करना है. सुई गैस की, सुई गैस में 186 बिलियन का नुकसान हुआ, चोरी हुई. अपनी बात करता हूं, करक के अंदर डेली 40 MMCFD की चोरी हो रही है, 40 करोड़ रुपए की, 2 करोड़ रुपए की डेली चोरी हो रही है, 40 MMCFD. ये चोर, इन चोरों को आपने रोकना है. जब तक ये नहीं रुका तो आपके 186 बिलियन जो नुकसान हो रहा है, आप मुझे बेहतर तरीका बता दें. सर साहब थैंक यू जी, 8 मिनट हो गए. फाइनली सर, फाइनली जी, मैं सर चेयरमैन साहब, बात ये है, चेयरमैन साहब मेरे तरफ देख तो लेने दो, इतना खूबसूरत आदमी हूँ, मुझे कहता है खूबसूरत पठान आदमी. जी जी जी, कंटिन्यू करें. खुशहदुल्ला साहब कहते हैं कि मैं खूबसूरत हूँ, चलो खैर इनकी बात में मान जाता हूँ, लेकिन आप तो सर मेरी तरफ देखे ना सर जी. तो ये मैं आप में ये बात बताएं सर, ये सारी चोरी शोरी हो रही है, इसको ठीक करने के लिए हमने क्या करें? हमने स्टेप्स वो बताया, आपकी कमेटी ने स्टेप्स बताए, वो आगे चलेंगे, ठीक होंगे. इन द मीन टाइम आपने रेट ज्यादा करना है टू रिकवर दिस, ये लॉसेस जो आपने इसको कवर करने, लॉसेस इसको ठीक करने. फाइनली सर, जो सिर्फ आखिरी बात सर, आपका जो 3 दिन का तहरीक लबैक वालों का जो आपके धरना टाइप हुआ, हमने मेरे ख्याल में शहरयार अफरीदी साहब डिजर्व्स क्रेडिट फॉर डूइंग एक्सीलेंट जॉब, माय व्यू एक्सीलेंट जॉब. Now my question is, चलो जो हुआ हुआ, मुझे अपोजिशन वाले बता दें, अल्लाह ना करे आइंदा ऐसे धरना हुआ, आप जो तरीका बताते हैं हम वो फॉलो कर देंगे. आप कहते हैं 3 दिन बाद गोली चलाओ, हम गोली चला देंगे. आप कहते हैं लाठीचार्ज को, लाठीचार्ज करें. आप कहते हैं बंद रहे सब, तो बंद रखेंगे. आप सजेस्ट तो करें ना, आप बताएं क्या तरीका होगा. ऐसे हाइपोथेटिकल बातें ना करें, एडजेक्टिव ना यूज करें, गिव अस अ सॉल्यूशन. दिस इज माई व्यू टू यू सर, कि अगर आपने सेनेट ठीक तरह चलानी है, आपने सेनेट से रिजल्ट लेना है, वरना इट इज अ टोटल वेस्ट ऑफ टाइम कमिंग ओवर हियर जस्ट डिस्कसिंग थिंग्स एंड गेटिंग नथिंग आउट ऑफ इट. थैंक यू.